आपको देखना अंदर था फिर हम जाग पे अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद सदक अल्लाहुल अज़ीम। जेरीनु वसा जावे लगियानु निबादा गाने जो स्टैंड रहे वसा जावे लगियानू निभा जावे उजड़ीनू वसा जावे लगियानू निभा जावे महबूब नू आखोनी ओ इक वार ते आ जावे महबूब नू आखोनी ओ इक वार ते आ जावे हुण दुखड़े जुदाइयां दे ओ मैं तो नहीं जरे जांदे हुण दुखड़े ਸਾਇਮ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਲਈ ਉਹ ਨਾ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਏ ਸਾਇਮ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਲਈ ਉਹ ਨਾ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਏ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਉਹ ਨਾਮ ਲਿਆ ਉਹ ਦੂਰ ਬਲਾ ਜਾਵੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਆਖੋ ਨੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਜ਼ਾਕਅੱਲਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਉਂ ਰੱਖਾ? मैंने कल ही याकूब नूर साहब से ये बात पूछ ली थी कि पिलाक का हॉल भी है जहां हम रेगुलर प्रोग्राम किया करते हैं, अलहमरा है वहां कर सकते हैं हम प्रोग्राम। ठाकुर लाहौरी साहब जैसा बंदा हमारे साथ है, ताहिर बुखारी साहब जैसे बंदा हमारे साथ है और हम वहां प्रोग्राम नहीं कर रहे। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए जो थिएटर है ज़्यादातर पूरे पाकिस्तान में ये मशहूर है कि सब कुछ बंद हो गया है, तबाह हो बर्बाद हो गया है, यानी कराची में ख़ास तौर पे कहा जाता है कि वहाँ कुछ भी नहीं है। तो याकूब भाई ने कहा कि यार मैं इसलिए चाहता हूँ कि यहाँ एक तो टेक्नीशियंस भी हैं, तमाम लोग हैं, वो यहाँ आसानी से पहुँच भी जाएंगे और हम ये मैसेज दे सकेंगे कि अभी थिएटर्स में या स्टूडियोज़ में जान बाकी है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये कैसे होगा प्रोग्राम। लेकिन या न्यूज़ वाले भी और दीगर लोग वो पता नहीं क्यों इतने जालिम हैं कि बहुत खर्चा करा देते हैं।
तो शायद ये प्रोग्राम इतने खर्चे में इतने लोगों का फ्लैटीज में भी हो सकता था। और ताहिर भाई और हमारे ठाकुर भाई ये अलहमरा भी बहुत अच्छा करा सकते थे, लेकिन वजह आपको बता दी कि क्यों प्रोग्राम किया। बाद हम आगे बढ़ते हैं, मलिक याकूब नूर साहब और उनके साहब सर, इन दोनों की आज सालगिरह का दिन है। मलिक याकूब नूर साहब मेरी इत्तलात है, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे पता चला है कि ठाकुर इफ्तिखार ठाकुर, ये बड़ी बात है कि आप भी घरों के चूल्हे जलाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं कहता हूँ ये बड़ी हिम्मत की बात है कि जो आप काम कर रहे हैं, तो आपकी आमद का बेहद शुक्रिया, आपका बेहद शुक्रिया। आप तशरीफ लाएं ठाकुर लाहौरी साहब, मैं हमेशा कहता हूँ लेकिन ये कभी कभी कह देते हैं मुझे, कहते हैं यार मक्खन लगाते हो, लेकिन मैं कहता हूँ कि जी अगर हमारे जर्नलिस्ट में, मैं तो कराची लाहौर दोनों में कहता हूँ, मैं कराची में भी नहीं मानता, कराची लाहौर में अगर कोई हमारा लीडर है तो वो ठाकुर लाहौरी। सर बहुत शुक्रिया ठाकुर भाई आपकी आमद का। जियो सर उठा के, जियो सर उठा के एक बहुत आला फिल्म थी, मैंने देखी और मुझे बेहद पसंद आई फिल्म, यानी उसको लोगों ने नहीं देखा, उसकी वजह यह थी कि इंडियन फिल्मों की काम करने वाले लोगों का तो आपका जो है नाम जरूर आता है, तो आपका बेहद शुक्रिया। आकिफ मलिक साहब, बड़ी फिल्में आपने जो है वो आप बहुत अच्छे डीओपी हैं, यानी पहले हम कैमरामैन कहते थे, आज जो है वो टर्मिनोलॉजी जो है वो हो गई है डीओपी। तो बहरहाल आकिफ मलिक साहब आपका बेहद शुक्रिया। इलियास राणा साहब यहाँ मौजूद हैं, मसूद भट्ट साहब के सीनियर असिस्टेंट हैं, और बहुत सारे लोग, आसिफ रहमान साहब हमारे सीनियर शायर हैं, बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं, आपका बेहद शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। अभी खान म्यूजिक डायरेक्टर, जिन जिन का नाम मैं ना ले सका, जैसे जैसे मुझे बताया जाएगा तो मैं आप सबको वेलकम कहूँगा, उसकी वजह एहतशामुद्दीन साहब अगर हॉल में कहीं बैठे हैं, आपकी मेरी नज़र पड़ी है जर्रार रिजवी साहब, स्टार मेकर कहलाए जाने वाले, अमिताभ बिल्कुल तकरीब शुरू हो जाती है तो या तो अमिताभ पहले से बंदा अपना भेजता है, वो कहता है चेक करो कि जी लोग आ गए हैं तब मैं एंटर होऊंगा, और जर्रार रिजवी साहब भी अक्सर इसी तरह से ही आते हैं। जर्रार रिजवी साहब तशरीफ ले आए हैं और प्रिया उनके साथ हैं, और मजीद प्रिया मुझे नहीं पता नज़र आ रही कि उनके साथ हैं नहीं है, लेकिन प्रिया उनके साथ हैं। और हसनैन आपका बेहद शुक्रिया, काका वहीद मुराद के जो फैन हैं आपका बेहद शुक्रिया। म्यूजिक डायरेक्टर अशफाक अली साहब आपका बेहद शुक्रिया। आसिफ रहमान साहब बहुत शुक्रिया। बस दो चार मिनट का ये आपको थोड़ा सा खलल आएगा, मैं ये चाह रहा हूँ, और याकूब भाई भी हाजरा फरहा शेख जर्नलिस्ट हैं, गुल साहब मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, ए आर गुल, अंजुम शहजाद साहब आए हैं, उनका शुक्रिया। ये सब मैं के याकूब नूर साहब से कल मैंने पूछा कि ये आपने स्टूडियो में, स्टूडियोज बंद है, तबाह बर्बाद हो गए हैं, हम ये चाहते हैं कि यहाँ से ये मैसेज जाए कि अभी जिंदा हैं हम लोग। आकिब मलिक साहब, रफीक मुगल साहब, वहीद साहब हमारे फोटोग्राफर्स हैं जो आज इस प्रोग्राम को कवर कर रहे हैं, दानिश नईम दानिश, ये तमाम लोग, अली आब्दी साहब अभी मेरी नज़र पड़ी है, ये हमारे सीनियर साथी हैं रंग रूप में, इन्होंने बहुत हमारे साथ काम किया है, अली आब्दी साहब आपका बहुत शुक्रिया। साबिर सिद्दीकी साहब जर्नलिस्ट, जब्बार सिद्दीकी साहब आपका बेहद शुक्रिया, मैं माजरत चाहता हूँ, जब्बार सिद्दीकी साहब, मलिक आफ्ता मलिक इकबाल साहब, ये अच्छा मियाँ वाली से खुसूसी तौर पर याकूब भाई की इस सालगिरह के लिए तशरीफ लाए हैं, आपका बेहद शुक्रिया। मैं जर्रार रिजवी साहब कहाँ चले गए, पर आके आप वेलकम कीजिए सबको, और याकूब नूर साहब के हवाले से बात।
आए हैं आपसे, और ये एक तारीखी स्टूडियो है, ऐसा स्टूडियो तो इंडिया में भी नहीं है जैसा ये स्टूडियो। और इसके साथ साथ रिकॉर्डेड डायरेक्टर मेरे मसूद भट्ट साहब, लवली डायरेक्टर जी, और इनके क्रेडिट में उन्होंने जो फिल्में बताई थी वो कम है। दारा बलोच के बाद जब ये सुपर हिट हुआ है तो वो अल्लाह रखा है, लोग ट्रालियों पे बैठ के आए हैं, इनके क्रेडिट में अल्लाह रखा जैसी फिल्म है। उर्दू फिल्में भी बनाई है, बेकाबू बनाई है, ऐसी कि वो पहले दिन से हिट हो गई है। लेकिन इनकी फिल्में अक्सर ऐसे होता है कि पहले दिन जरा नरम है, अगले दिन फिर आहिस्ता आहिस्ता चल सौ चल हो जाती है। जंगल का कानून जैसी फिल्म इनके क्रेडिट में, मैडम रैना जैसी फिल्म इनके क्रेडिट में, जिसने प्रोड्यूसर के घर बना दिए। तो ये वो डायरेक्टर, और ये कमर्शियल डायरेक्टर है। और गाना तो ऐसा होता है कि मंजी हेठा डांग फेरता, पूरी तलाशी लेता है, डांग फेर देता है, ऐसा मौसीकी का बादशाह डायरेक्टर है और हिट डायरेक्टर है। माही आवेगा मैं फुलाना धरती से जावांगी, ऐसा म्यूजिकल है। और ये हमें बड़ा एहसास है, मैं समझता हूँ ये पंजाबी फिल्म का बेताज बादशाह है और यहाँ आया हुआ है, और इसका बहुत शुक्रिया। फिर सफदर मलिक साहब है, ये तो माई स्वीट हार्ट है जी। इस वक्त बड़ी बात है कि इस रिस्की दौर में जहाँ पता है कि पैसा वापस नहीं आएगा तो ये पैसा लुटा देते हैं। अल्लाह ताला इनको हिम्मत तौफीक दे, ये इसी तरह पैसा लुटाते रहे और जो लेबर है वो इंजॉय करे। और क्योंकि आज खुशी का दिन है और मेरे सारे डायरेक्टर बैठे हुए हैं, मेरे जनरल हैं, मैं अपने डायरेक्टर्स को जनरल जो है जनरल कहता हूँ, जावेद रजा साहब तशरीफ फरमाए हैं, मेरे कैमरामैन आके मलिक साहब जिनके क्रेडिट में बड़ी बड़ी सुपरहिट फिल्में हैं, जेड ए जुल्फी साहब जिन्होंने 10 नेशनल अवार्ड लिए हैं, ये रिकॉर्ड है पाकिस्तान में, इतना बड़ा टेक्नीशियन है जेड ए जुल्फी साहब। तमाम दोस्तों को सलाम अलैकुम। शाबे साहब बहुत शुक्रिया आपका, मलिक यकूब आप हमेशा किसी ना किसी बहाने से ये रौनक बख्शते रहते हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के, इतने इतने बड़े स्टार्स हमारे साथ मौजूद होते हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो मलिक यकूब नूर साहब, आपके लिए पाकिस्तान के शोमैन सईद नूर साहब, मलिक सफदर साहब, ठाकुर साहब, मसूद भट्ट साहब और इतनी इतनी बड़ी शख्सियात आपके एक कॉल पर तशरीफ़ लाती हैं, आपको इस चीज़ की सबसे ज़्यादा मुबारक। दूसरा मैं एक और भी जिक्र करना चाहता था आप तमाम दोस्तों से, चूँकि आज एक दूसरे के साथ खुशियां शेयर करते हैं, हमें एक दूसरे के गम का भी एहसास होना चाहिए। बेशक 20 सालगिरह है तो मलिक साहब की जो मिसेज हैं वो यहाँ मौजूद हैं, मिसेज मलिक याकूब नूर, आपको अभी हम वेलकम करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम में आप आएं और आपने रौनक बख्शी, वरना आमतौर पे आप तकारीब में नहीं जाती हैं। मलिक तारिक नूर सालगिरह है बेटे की, वो यहाँ मौजूद है। मलिक नूर जमान जूनियर वो यहाँ मौजूद हैं। अली तारिक, हसन तारिक ये यहाँ मौजूद हैं। अली तारिक और हसन तारिक ये तारिक भाई यानी मलिक तारिक अजीज साहब के साहबजादे हैं, और मलिक तारिक अजीज साहब भी कमाल के आदमी थे, यानी जिस वक्त मैं इनके साथ जुड़ा हूँ तो मलिक साहब ही मुझे यहाँ उन्होंने एंटर किया था, यानी मलिक तारिक अजीज साहब की वजह से मैं याकूब नूर साहब। बहरहाल अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। याकूब भाई मैं एक जो है वो स्पीच करा के, तो कोई गाने के लिए कोई एंटरटेनमेंट के लिए कोई रेडी है तो मैं अगले मुकर्रर को बुलाना चाहता हूँ, तमासील थिएटर के चेयरमैन जनाब कैसर सनाउल्ला खान साहब तशरीफ लाए हैं। कैसर, मैंने जो आपकी पहली फिल्म देखी और बहुत सारी फिल्में आज तक देखी और क्या कमाल आपने काम किया, याकूब भाई के बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारे भी दोस्त हैं, आज भी मसरूफ़ हैं गोशी खान साहब, मैं मुल्तमिस हूँ कि आप आएँ और याकूब नूर साहब की इस सालगिरह के हवाले से बात करें। मैं तमाम अपने सीनियर, मेरी फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड्स जिन्होंने अपने अपने काम में यकता हैं और पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान से बाहर जिन्होंने पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया, अपना नाम भी रोशन किया और बहुत से पाकिस्तान के अदाकारों को मुतारफ़ करवाया,
जिनमें फ्रंट सीट पे मेरी सारी वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर मेरे इस बारी स्टूडियो के ऑनर और मेरे पाकिस्तान का मीडिया मेरा ख्याल उधर खाना खुल गया है मैं लग रहा है उधर को खाने का रोला पै गया तो बात यह है कि सब लोग बैठे हैं मैं तो एक अदना सा स्टूडेंट हूँ आज भी घूंघट का जिक्र हुआ तो घूंघट के जो डायरेक्टर हैं नूर साहब उनके साथ फर्स्ट टाइम काम किया बड़ा अच्छा लगा फिर दुपट्टा जल रहा है फिर मुहाफिज आज मलक यकूब नूर ये एक नाम मेरा इनसे ताल्लुक जो है वो इनकी एक फिल्म इश्क मर जाने उसमें इन्होंने मुझे कास्ट किया था फर्स्ट टाइम मेरी इनसे मुलाकात थी और फिर वो मुलाकात ऐसी हुई कि आज मैं उनकी हर खुशी में और गमी में शामिल होता हूँ और वो मेरी हर खुशी और गमी में शामिल होते हैं मैं अपने भतीजे तारिक नूर और मलक यकूब नूर साहब को उनकी ये जन्मदिन पे बहुत 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 मुबारक पाई पाया दे दर्द वंडा दे दे पाई पाया दे दर्द वंडा दे दे पाई पाया दिया ओ बावा
आपका बेहद शुक्रिया, बीए शाकिर साहब बहुत शुक्रिया आपका, और मुफ्ती एहतशाम साहब मैंने उस वक्त आपको वेलकम किया था लेकिन मुझे आप असी यूट्यूब चैनल पर बह के बकवास करते हैं और चाय वाली दुकान पर बह के स्टूडियो बह के दफ्तर च बह के जड़ा कोई एक अद्धा बंदा काम कर रहा होंदा है उन्हें परेशान करने हैं जबरदस्ती की असी एक दूजे के नाल रेस लाई हुई है और यही वजह कि साढ़े बाद जड़े मुल्क आजाद होए ने घंटा पहलों या घंटा बाद वो साढ़े तो अगे ने और असी बहुत पिछे सैयद नूर साहब या सूदी भट्ट साहब मेरा नहीं ख्याल कि अगले 1000-2000 साल कोई सैयद नूर साहब जैसा या सूदी भट्ट जैसा कोई डायरेक्टर आएगा 50 रुपये की टिकट के नाल इन्होंने 1 करोड़ रुपये का इन्होंने 500 या 800 या 2000 रुपया टिकट दे अगर असी गल्ला कर रहे होने करोड़ों रुपए का बिजनेस इन्नी मेहनत दिन रात के जगराते स्ट्रगल अपने आप को अजाब च पा के टेंशन लै के जब बंदा किसी जोगा नहीं ना रहता तो फिर उसे ये लूट बन जाता बच्चे को बताते एक दो टाइम की रोटी तो कर रहा जाता कर करके काम कर करके काम कर करके काम अगर इस मुल्क ने और इस मुल्क के रहने वाले लोगों ने जिंदा रहना और इस मुल्क ने तरक्की करनी और असी लोगों ने कोई कारनामा अंजाम देना औखा सौखा वेला आना रहना कभी 100 फिल्मा बन गई कभी 15 बन गई कभी 50 बन गई उन्होंने 36-37 साल हो गया सारा कुछ देख दें असी कुछ नहीं कर रहे होंगे असी जिद ला के बैठे होंगे और रेस लाई होती है फजू खास कर उन्होंने बंद ने जिन्होंने रुपये की मैं समझ नहीं हुई सारा दिन वेले गेम प्लैनिंग सारा मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया मीडिया के लोग भी बैठे तो मैं क्या चलो गल कर दी कछुआ शादी उसकी घट सौ घट जी उम्र जो है बहुत शुक्रिया कैसर सनाउल्ला खान साहब बहुत सारी बातें मैं आपसे मुत्तफिक हूँ और शायद कुछ बातों से ना भी हो लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आपके ये यहाँ है बहुत सारे हीर रांझा के गाने हैं ये गाने हमारी सकाफत हैं और इस तरह के गाने अगर हों तो ज़्यादा अच्छी बात बिस्मा चौहान यहाँ मौजूद हैं मॉडल हैं और इस वक्त फिल्मों में भी काम कर रही हैं आपका बेहद शुक्रिया दानिश अलवी सिंगर ये भी तशरीफ़ लाए हैं आपका बेहद शुक्रिया और शेरू दादा ये टिकटॉकर हैं आजकल टिकटॉकर्स की तो आपको पता है हर तरफ जो है वो भरमार भी और इनका काम ऐसा है कि एक टिकटॉकर जो है वो तबाही मचा देता है पूरी दुनिया में तो उनका होना भी तकारीफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो शेरू दादा आपका बेहद शुक्रिया सलीम शाद साहब हमारे मोहसिन अख्तर शाह साहब के साहबजादे हैं आपका बेहद शुक्रिया आसिफ रहमान साहब आप और आपकी सिंगर आई हैं मुझे उनका नाम नहीं पता बेहद शुक्रिया रोज़ी खान आपका बेहद शुक्रिया आकिब जावेद रजा साहब जैद जुल्फी साहब तमाम ही लोग हमारे लिए मोहतरम हैं और मैं मुल्तमिस हूँ इस स्टूडियो को आज तक आबाद जो रखा हुआ है उनमें एक शख्सियत यहाँ बैठी है जिसका बहुत बड़ा किरदार है वरना हम तो ये समझ बैठे हैं काफ़ी 5-6 सालों से कि ये स्टूडियो बिक रहा है और बिक चुका है और बहुत सारे जगह पे एक आ जाता है तबाह बर्बाद हो चुका है लेकिन आज तक इस स्टूडियो को ज़िंदा रखा हुआ है खुर्रम बारी साहब आप तशरीफ़ लाएँ और चंद जलमार खुर्रम बारी साहब अच्छा आप कैसर साहब आपने तारीफ कर दी मैं समझता हूँ कि सब ने तारीफ कर दी थैंक यू वेरी मच आपको बहुत बहुत मुबारक हो नूर साहब या गुप साहब आपके बेटे को बहुत बहुत मुबारक हो
और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और थैंक यू वेरी मच। वो ओपनर है, वो वन डाउन है अपना सूदी साहब और शायद राणा साहब। नहीं आप अपने बंदे, आपके पास जर्नलिस्ट कोई नहीं है, है, है क्यों नहीं है, मतलब कोई है अपना ये कैसे है हमारा, ये देखें ये भी जर्नलिस्ट है, कैसे को आप रख लें ओके मैच आपने टाइम देने बस ठीक है। और ये इंडोर मैच होगा, हमारा नया स्पोर्ट्स क्लब बना है अपना, हॉल नंबर 5 उधर होगा इंडोर। मैंने वो देखा बहुत कमाल का है और मैंने वहाँ छक्का भी लगाया है और इंशाल्लाह और स्मोक के बगैर, स्मोक के बगैर है और इंशाल्लाह ये महीने के एंड पे कोई एक दिन रखेंगे शाह जी आपके पाकिस्तान से पहले इंशाल्लाह। द्वारी साहब ने जैसे फरमाया कि खाने के लिए सब लोग बड़े अच्छे लोग हमारे दरमियान हैं, जो कम से कम इंडस्ट्री के खाने का तो ख्याल करते हैं, लोगों का ख्याल करते हैं कि आपने स्टूडियो को आबाद कर रखा है। मुबारकबाद तो जाहिर है देने के लिए हम आए हैं। नूर साहब को इनके बेटे को सालगिरह की अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी, इन्होंने हमारी सशक्ति हुई इंडस्ट्री में रूपों की और ऑक्सीजन का काम किया, माशाल्लाह जिंदा रखे हुए हमारी इंडस्ट्री को। अच्छी अच्छी बातें तो आप सब लोग कर ही देते हैं क्योंकि अच्छा बोलने वाले हैं। कैसर सनाउल्लाह ने बहुत अच्छी बात की, बड़ी प्यारे लगते हैं ऐसे लोग जो रिश्तों को जोड़ने की बात करते हैं। ये वाकई हमें बहुत बड़ा मर्ज है कि हम एक दूसरे की टांग, अल्लाह तबारक ने कहा है कि मेरे बंदों के लिए कुछ करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ। तो एक अल्लाह ने जब ये सबक ही दे दिया कि दूसरों के लिए करो, हमने वो ज़रा काम अपने लिए करना शुरू कर दिया। सब अपना सोचते हैं, दूसरों की बदखोई करते हैं, रिश्ते जोड़ने में ही बरकत है। हमने चूँकि अपने लिए सोचना शुरू कर दिया, इसलिए मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने कहा कि मेरा काम तो तुम करने लग गए हो, अब मेरी तो ज़रूरत नहीं है। इसीलिए शायद पाकिस्तान में जो माहौल हम देख रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने मुंह मोड़ लिया है कि तुम मेरा काम तो तुम कर रहे हो, शायद तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं। ये अगर हमारे ख्याल में आ जाए तो खुद खोई एक दूसरे की टांग खींचना, इस किस्म की गुफ्तगू से ज़रा परहेज करें। ये वक्त हम बहुत क्राइसिस में गुजार रहे हैं, हालत जंग में, वैसे तो पाकिस्तान भी है लेकिन हमारी इंडस्ट्री खास तौर पर बहुत है। रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करें और जिस तरह इन्होंने कहा कि खुश नसीब है नूर साहब के, गोशी ने कहा कि बहुत प्यार करते हैं, इनकी मौजूदगी से एहसास होता है। यही हम सबको चाहिए कि ख्याल करें, ये ज़िंदगी जो हम समझते हैं ना कि हमारी 50 साल है, कछुए की 300 साल है, तो कैसे साहब बिल्कुल सही कहा आपने, ये छोटी सी जिंदगी है और इसमें हम समझते हैं हमारा नाम हो जाए, हमें कहें हमें 10 अवार्ड मिले हैं, हम इस दौर में चलते हैं। असल में ये ज़िंदगी नहीं है, ये नूर साहब को जिस तरह से प्यार मिल रहा है, ज़िंदगी वो है जो जीने का नाम है और जीता बंदा ज़िंदगी में नहीं है। आज तक ज़रा गौर कीजिए, कायदे आज़म जिंदा है ना, तो ये ज़िंदगी होती है। ज़िंदगी असल में शुरू होती है जाने के बाद, जाने के बाद आपको लोग याद करें कि किसी के लिए आप कितना अच्छा कर गए हैं। जहाँ आप बैठे, जब हम पीठ फेरते हैं ना, तो उस वक्त जब हमारी तारीफ़ की जाती है तो वो ज़िंदगी है, वो लम्हे आप जी रहे होते हैं जब आप मौजूद नहीं होते और आपका अच्छा जिक्र हो रहा होता है। काश हम लोग ये समझ जाएं। तो आप लोग इस तरह आते रहो, खुशी गमी में शरीक होते रहो, कोशिश किया करें। देखें रिश्ते जब
नहीं जोड़ते तो आप बहुत दूर चले जाते हैं। मैं अपना लाइट एंड टीवी से रिश्ता जोड़े ही नहीं, और ये हमें भी कहते थे जब मैं टीवी पे गया और यहाँ भी काम करता रहा। उस साहब की मेरी हेल्प की थी, शुक्र है मैंने वो कम से कम कंट्रीब्यूट किया मेरी फिल्म में, कसम है। तो मैंने महसूस किया क्योंकि मेरा ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री से है, मैं फिल्म इंडस्ट्री ही का मेरा मदर इंस्टीट्यूशन है। तो मैंने देखा कि वो फासला डब्बे दे एक्टर हमें कहते थे डब्बे दे एक्टर, वो इतना दूर रहे कि एक दूसरे से अगर मिल के रहते तो उनसे कुछ सीखते, एक दूसरे से कुछ सीखते, शायद जहाँ हम आज हैं वहाँ ना होते। तो ये मेरी इसलिए इस्तदा है आपसे हाथ जोड़ कर के रिश्ते जोड़े। कैसे सलाह मिला, इतनी प्यारी बात की कि रिश्तों को जोड़ो यार, एक दूसरे का अच्छा सोचो। आप अच्छा सोचोगे ना तो अल्लाह आपके लिए सोचेगा, आपकी आगे बढ़ने की ख्वाहिश और दुआ के साथ। चाहते हैं कि यहाँ हमारे जितने भी सीनियर लोग बैठे हैं, कम से कम हम उनसे ज़रूर आज के इस प्रोग्राम पे बात करें या वो आके बात करें आज के इस प्रोग्राम पे। शहजाद गुजर साहब और अकबर अली साहब, शहजाद गुजर प्रोड्यूसर हैं, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और अगले जो हमारे सिंगर हैं वो रेडी हैं, पाकिस्तानी लेजेंड सिंगर शौकत अली साहब के साहबजादे हैं इमरान शौकत साहब। इमरान शौकत साहब आप रेडी हैं? मैं इससे पहले चंद नाम हैं फ़ानी जान साहब, बेहद शुक्रिया, चौधरी फारूक साहब और मलिक नासिर साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आप एक बहुत अच्छी परफॉर्मर यहाँ बहुत मौजूद हैं, लेकिन वो आज एज ए गेस्ट तशरीफ लाई हैं और उन्होंने अभी लास्ट मुमताज़ जी के शो में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, नमरीन बट आपकी आमद का बेहद शुक्रिया। इमरान शौकत साहब बनाई थी उस फिल्म का जो टाइटल था ना, आज उसको अगर जिंदा किया जाए उसका मफहूम यही होगा कि उसने कहा था तारे जमीन पर, ये सयारे हैं जो जमीन पर हैं, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तारीख है, जो पाकिस्तान की शान है। इस छत तले इतने बड़े लोग तशरीफ फरमा हैं कि मैं ये समझता हूँ कि उनमें से कोई एक आध नाम भी अगर मैं ना ले सका तो मैं गुनाहगार हो जाऊँगा। अल्लाह पाक इस छत के नीचे पाकिस्तान की सारी आबरू जो बैठी है इसको सलामत रखे। नूर साहब, मैं मलिक याकूब साहब और उनके साहबजादे तारिक नूर साहब, इनके लिए दुआ गो हूँ, पाक परवरदिगार इनको सलामत रखे। मैंने एक जगह एक चीज़ पढ़ी कि सनद पे हमेशा नतीजा लिखा जाता है, वजह नहीं। ये नतीजा है आपकी मोहब्बत का कि ऐसे लोग, इतने बड़े लोग अपनी तमाम तर मसरूफियात छोड़ के आपकी मोहब्बत में यहाँ तशरीफ फरमाए। अच्छी खान साहब सलामत रहिए, मैं यहीं पे खान साहब मेरी दुनिया ज़ियारत कर दी, दौलत कहती मैं सब तो बड़ी, ते मेरा खलकत पानी भर दी, अकल के मैं सब तो बड़ी, ओ मैं बिच कचहरी दे लड़ दी, तकदीर ओ तुसी सिन सिन नोई झूठे, मैं जो जावा सो छिलके व
फिल्म स्टार इश्क नचावे गली गली जो उनका यानी एक ब्रांड बन गया था, तो दुर्दाना रहमान ने आपकी आमद का बेहद शुक्रिया दुर्दाना जी। मोमिना अली महमूद साहब डीओपी हैं, आपका बेहद शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए महफिल को रौनक बख्शी। फैसल किची साहब, सुहेल पटाखा जो हमारे बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं, आपका बेहद शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए।
मलिक जूनी साहब यहाँ बैठे हैं, मुझे अभी किसी ने बताया है, मुझे नज़र नहीं आ रहे, शायद ये लाइट की वजह से। मलिक जूनी साहब बहुत शुक्रिया, ये लाइट पड़ रही है। नाजिम साहब हैं, ये दोस्त हैं मलिक याकूब साहब के, बेहद शुक्रिया। एक मरतबा फिर मुश्ताक अहमद शेरी साहब, आपका बेहद शुक्रिया। जर्रार रिजवी साहब, आपका बेहद शुक्रिया। शुक्रिया। अभी यहाँ पे कैसे सनावला साहब ने भी काफ़ी अच्छी बातें की, और गुरुबारी साहब ने तो एक बात कह ही दी कि काम जल्दी से बात करें, लोगों को खाने का भी इंतज़ार है। मुझे आज यहाँ पे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई है कि जो भी खातून इस तरफ से आई हैं, उन्होंने सैयद नूर साहब के चरणों को हाल भी लगाया है, और उन्होंने भी अपनी बदमाश आँखों से ना उनको बड़े करीब से, मैं उनके साथ बैठा, मैं हर मंजर देख रहा था। तो बाकी रहा मलिक यूसुफ नूर साहब की सालगिरह, उनके बेटे तारिक की सालगिरह, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। ये इन्हीं का खासा है कि इतने लेजेंड लोग यहाँ पे इन्होंने इकट्ठे कर लिए, अपनी मोहब्बत से और अपने प्यार से, अपने खलूस से। मैं बात कम करूँगा, तो बहरहाल आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने इतने लोगों को इकट्ठा किया। तो बाकी उन्होंने नदीम चीमा साहब ने एक बात की यहाँ पे, शफकत चीमा साहब हमारे बड़े मोहब्बत वाले हैं, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे। वो बीमार है काफ़ी, जो उन्होंने बताया। एक दिन मैं और सैयद नूर साहब और अच्छी खान साहब इकट्ठे थे उधर एवेन्यू स्टूडियो में, तो हमारा प्रोग्राम बना के उनको देखें, तो वो उनका वो बरकत चीमा, क्या नाम उनका, अहमद चीमा ने कहा कि वो उनको वो लगी हुई हैं नालियाँ, और कोई हमने उनकी तस्वीर शेयर नहीं करते मीडिया में, ये वो, तो वो देख भी नहीं पा रहे किसी को, वो समझ भी नहीं। तो हम फिर चुप करके कि हमने किसके पास जाना है, जो आदमी जिसके पास हम जाना चाहते हैं वो ही इस बार अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह के काम में कोई देर नहीं है, बड़े बड़े लोग उठ गए हैं बिस्तर से अपना। तो बहरहाल खाने के लिए सारे ज़रूरतमंद हैं, तो मैं भी अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो मलिक नूर साहब कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम। बिल्कुल ठीक हैं और हमारे लेजेंड हैं। मैं कहता हूँ शफकत चीमा साहब जैसा विलन बहुत सदियों में पैदा होता है, और ख़ास तौर पर मसूद भट्ट साहब ने, अस्करी साहब ने, लेकिन सैयद नूर साहब ने जिस तरह से उनको उनसे काम लिया वो उनका खासा है। औरंगज़ेब लगारी साहब मेरे ख्याल में आप आ रहे हैं वापसी, ओके जी। अली आब्दी साहब हमारे रंगरूप के पुराने साथी हैं, आपका बेहद शुक्रिया। सैयद नूर साहब की बात की मसूद भट्ट साहब ने कि और बिल्कुल ये ठीक बात है। अच्छा, सैयद नूर साहब की मकबूलियत आप ये देखें, मैं अभी मसूद भट्ट साहब के यहाँ शादी पे गया था, आप यकीन कर लें क्योंकि ये बात रिकॉर्ड हो रही है और रिकॉर्ड पे आ रही है, और ये सब सुनेंगे और उसके बाद वहाँ तक भी पहुँचाएंगे जहाँ तक पहुँचाई जानी चाहिए। शान साहब भी वहाँ मौजूद थे, वहाँ दीगर लोग भी मौजूद थे, वहाँ मोहम्मद राना साहब, मीरा जी, जरार साहब की लैला, मीरा, ये सब वहाँ मौजूद थे। लेकिन जिस तरह इस्तकबाल सैयद नूर साहब और साइमा का हुआ है वो वालेहाना इस्तकबाल, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। मेरे जैसे व्लॉगर्स, रेटिंग लेने वाले, मेरे जैसे लोग ये चाहते हैं कि सैयद नूर साहब के खिलाफ बात करके हम शायद रेटिंग ले लेंगे, तो शायद ये मेरी खाम ख्याली है। जो अल्लाह ताला ने उनको मुकाम दिया है वो इंशाल्लाह उससे बढ़कर उनको मोहब्बत मिल रही है, और मसूद भट्ट साहब की शादी में ये बात साबित हुई है। मसूद भट्ट साहब के यहाँ शादी पे ये बात साबित हुई। अब ठीक है, खाने की भी तारीफ हुई है। हेलो मसूद भट्ट साहब, आपके साहबजादे की शादी, वो मुझे पता है कि फिर आज घर पे जो है भाभी से भी मैं माजरत करता हूँ कि ये मुझसे गलती से फितरा निकला है कि मसूद भट्ट साहब के, बल्कि मसूद भट्ट साहब के साहबजादे की शादी। जरार रिजवी साहब, मैंने इसलिए मीरा और लैला का जिक्र किया
अक्सर आप एहसान फरामोशी वाली बातें करते हैं तो इसलिए। बहरहाल हम चलते हैं आगे और अब मैं मुल्तमिस हूँ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर डायरेक्टर हैं और पंजाबी फिल्में ज़्यादा बनाई, उर्दू फिल्में कम उन्होंने डायरेक्ट की, आज भी मसरूफ़ हैं, तेरे प्यार नू सलाम, इश्क लाहौर जैसी वो फिल्में बना रहे हैं। मैं मुल्तमिस हूँ शाहिद राणा साहब से कि वो आए और बात करें मलिक याकूब नूर साहब। तमाम सीनियर्स को अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो भाई। और मैं असल में स्पेशली जो है ना खुर्रम बारी साहब का एक बात कहने के लिए आया हूँ कि फिल्म के लिए बारी स्टूडियो में 50% हर किस्म का डिस्काउंट दिया जाएगा। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के शोमैन डायरेक्टर, और शोमैन का जहां नाम आता है तो आप समझ जाते हैं, जीवा, घूंघट, चोर मचाए शोर, मजाजन, अंगारे, बेटी, जेवर, कितनी फिल्में हैं जो इनके क्रेडिट पर हैं। अगर इनकी जो खासियत है कि इनकी जो फ्लॉप फिल्म है वो भी शाहकार फिल्में हुआ करती हैं। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब सैयद नूर साहब से, स्टेज पर आए और मलिक याकूब नूर साहब, उनकी और उनके साहबजादे की आज बर्थडे है। मैं आपको गौर से सुनिएगा, एक्सक्यूज मी, हेलो, कोई छोटा आदमी बात कर रहा हो तो उसे सुनते हैं। खासे साल हो गए कराची में मेरी मुलाकात हुई इन दो बंदों से, शाकर साहब से और याकूब नूर साहब से। मेरी मोहब्बत में ये कई साल पहले यहाँ आए और उन्होंने छोटा सा प्रोग्राम किया, फिर उससे बड़ा किया, फिर उससे बड़ा किया, साल बीतते गए, प्रोग्राम बड़ा होता गया और आज मैं देख रहा हूँ इन्होंने पंजाब फतेह कर लिया। पंजाबी बोलते भी हैं और पंजाब में प्रोग्राम भी करते हैं, आए ये कराची से हैं, बेस ये कराची करते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री कराची जाके बस गई है, मैं कहता हूँ कि कराची वाले यहाँ आके बस गए। अच्छा मुबारकबादें तो दिल से होती हैं, अगर मैं ना भी आता तो मुबारकबाद इन तक पहुंच जाती क्योंकि ये मोहब्बत की बातें होती हैं। लेकिन यहाँ मैं जवाब देना चाहूँगा जो कुछ लोगों ने कहा कि मुखालफत, लोग आके आपको बुरा कहते हैं, ये कौन लोग बुरा कहते हैं? ये वो लोग बुरा कहते हैं जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते। पीटर्स बुखारी साहब चांसलर थे, वाइस चांसलर थे गवर्नमेंट कॉलेज के, बड़े सख्त वाइस चांसलर थे। तो गेट के ऊपर एक चौकीदार था जो उनको बड़ा बुरा कहता था, बट सब बात सुनने वाली है, वो उनको गालियां भी देता था, बुरा भी कहता था, ये सख्त है, स्टूडेंट्स के साथ अच्छा नहीं है, ये वो। उन तक चांसलर साहब तक, पत्रस साहब तक बात पहुंचती है कि जी वो आपको बहुत बुरा कहता है, और वो कहते हैं मैं कहता हूँ मेरा कोई बिगाड़ ले, वो मेरा क्या बिगाड़ सकता है, कहते यार बात तो ठीक कहते हैं, ना उसके पास इज्जत है, ना उसके पास गैरत है, ना उसके पास कोई पहचान है, मैं उसको क्या बिगाड़ सकता हूँ। तो बात यह है कि ऐसे लोगों को जवाब नहीं देना चाहिए, अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, अपना सफ़र, अपने काम का सफ़र आगे बढ़ाना चाहिए, और यही मैंने सारी ज़िंदगी किया है। मैं इस इंडस्ट्री में जहाँ मैं रह रहा हूँ नंगे पांव आया था, आज बूट पहने हुए हैं, नाम नहीं था, मुकाम नहीं था, सब कुछ इस इंडस्ट्री ने दिया, और इस इंडस्ट्री ने तो दिया मुझे, मुझे पता है,
लेकिन इस इंडस्ट्री के लोगों ने हर कदम पे मेरी मुखालफत की है, हर जगह बैठ कर मेरी मुखालफत की। वो जितनी जितनी मुखालफत करते थे अल्लाह ताला उतनी उतनी मुझे इज्जत देता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस तरफ ध्यान ना दें जो मुखालिफ है, अपने काम की तरफ ध्यान दें। और आपने ये जो फतह किया है पंजाब, आपकी बड़ी मेहरबानी है, और अब आप पंजाब में ही रहिएगा, हमने वापस नहीं जाने देना आपको। आखिरी बात, लंबी बात नहीं करूँगा, आखिरी बात इनकी चीमा साहब की। देखिए हमें खबर आती है चीमा साहब बीमार है, हम फोन करते हैं, आगे से जवाब आता है वो ठीक है, हम पता चलता है जी चीमा साहब बीमार है, आगे प्रोग्राम आ जाता है इन्हीं का किया हुआ कि जी ये लोग उड़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, आपने और उन्होंने शहजाद ने किया, क्यों हम वो तो ठीक है बिल्कुल। ये एक कन्फ्यूजन था जो नहीं होना चाहिए था, अगर ये कन्फ्यूजन ना होता तो पूरा पूरी फिल्म इंडस्ट्री चीमा साहब के घर बैठी होती ऐसी। आप लोगों की तरफ से एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, इसको क्लियर करें और एक अपना घर का एक लोकेशन जो है उसको मेंशन करें सबको, ताकि सब लोग जाएं, और हम जाएंगे इंशाल्लाह, हम कल ही जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बातें सुनी हैं जैसी, तो थैंक यू वेरी मच। तो एक ही लड़की से शादी करके बैठ गया। नहीं, शादी आपने एक ही की है, शुदा आप ने बहुत की है। थैंक यू, सब अपना ख्याल रखें, थैंक यू। यानी आज भी वो खूबसूरत लगती हैं, खूबसूरत दिखती हैं। इश्क नचावे गली गली जैसी डायमंड जुबली फिल्म उनके क्रेडिट पर है, अनोखा दाग जैसी फिल्म उनके क्रेडिट पर है, और हैदर चौधरी साहब की दो चार फिल्में जो उनकी सुपरहिट फिल्में हैं। मैं मुल्तमिस हूँ दुर्दाना रहमान जी से कि वो आए और बात करें इस तकरीब के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत खुशी हो रही है अपनी पूरी फिल्म इंडस्ट्री को देख के, और इतना अच्छा लग रहा है कि याकूब साहब आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ आपके बर्थडे के मौके पे, और आपको बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ आपके बर्थडे के मौके पे, और इतनी आपकी मोहब्बतें हैं कि ये बड़े कीमती लोग हैं और कैसे बैठे हुए हैं, मैं बड़ी खुश हो रही हूँ देख के। अगर इसी तरह हमारी इंडस्ट्री में और भी मज़ीद इसी तरह काम होते रहे, सब लोग आते रहे, तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये मैं बताती चलूँ कि इस प्रोग्राम में शाकिर साहब और जरार रिजवी साहब का मैं नाम ज़रूर लूँगी, इन लोगों की बड़ी स्ट्रगल, बड़ी मेहनत है। आज ये जो खूबसूरत गुलदस्ता सजा, आप लोग सब आए और बहुत अच्छा लगा। इसी तरह अल्लाह मियाँ हमारी इंडस्ट्री में काम भी शुरू हो जाए, ताकि अच्छी फिल्में बननी शुरू हो जाए, रौनकें लगनी शुरू हो जाए, हम लोगों के काम चलने शुरू हो जाए, और ऐसी तकरीबात होती रहे। बहुत शुक्रिया जी। मलिक साहब इस वक्त फिल्म पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के लिए वाइस चेयरमैन। फर्स्ट टाइम देखा है कि पूरी इंडस्ट्री जो है मलिक नूर के तकरीब में सालगिरह के मौके पर सब इकट्ठे हैं, और कोई भी मैं देख रहा हूँ कि भाई कोई बाहर भी नहीं जा रहा, माशाल्लाह इतना प्यार है मेरी तरफ से आपको और आपके बेटे को, बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। कि आप तकरीब में शिरकत के लिए तकरीब में आए, आपका बेहद शुक्रिया। राजा मुश्ताक साहब, आपका बेहद शुक्रिया। मैं मुल्तमिस हूँ पाकिस्तान फिल्म और कमर्शियल इंडस्ट्री में बारिश स्टूडियो के इस खूबसूरत हाल में बैठे हुए तमाम लोगों को जरार रफी का सलाम। बहुत याद आते हैं अहले वतन ईद के दिन, बहुत याद आते हैं अहले वतन ईद के दिन, हम पहन लेते हैं यादों के कफन ईद के दिन। ये यादें होती हैं जिसकी वजह से हम लोग सालगिरह बर्थडे मनाते हैं, हालांकि एक साल कम हो रहा होता है, मगर हम खुशियां मनाते हैं।
बहरहाल इस खुशियों के दिन के लिए मैं तो ये कह सकता हूँ याकूब नूर साहब के और उनके साहबजादे को कि इन लोगों को और इनकी फैमिली को इतनी खुशियाँ देखना नसीब हो जितने इस जहाँ में इस संसार में चिराग जलते और बुझते हैं। हालांकि ये सालगिरह बहाना है, मुझे तो लगता है ये इन्होंने वलीमे का एहतमाम किया है। मैं इस हाल में बैठे हुए बहुत से मौजूद मेहमान भी हैं, इंडस्ट्री के लोग भी हैं, टिकटॉकर भी हैं और जो सोशल मीडिया पर सारे काम करते हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप जितनी बातें करनी करा करें मगर खुदा रहा आप अपनी आर्मी, अपनी अदलिया और पुलिस के अलावा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ नेगेटिव बातें मत कहा करें। यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं और बहुत से बाहर जो रहते हैं उनके भी यहाँ चाहने वाले बैठे हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है उनसे कहें कि अमेज पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बनाए, खराब ना करें। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। इम्तिहान में डाल देते हैं आप। खामोश यार, कौन बोल रहे हैं? पप्पी तो पप्पी अपना लव है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं मतलब यकूब नूर साहब को और उनके बेटे मतलब तारिक को मुबारकबाद देता हूँ सालगिरह की। और ये बड़ी अच्छी बात है, एक पाँच करोड़, एक की 17, उसकी पाँच किसकी है और उनकी कितनी है? उनकी 30 थी, लेकिन ये आप बेटे ने खर्चा बचाया आपने, बड़े जहीन है बड़े। फिर हमें दो दफा आना पड़े, ठीक है चलिए। ये मेरे लव है और ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए, जिस तरह ये ओ नेगेटिव बैठे हैं मेरे सामने सफदर मलिक साहब, मतलब साहब अभी कोल लग जाता ना, अभी लग जाता देखो, अभी आया खुशी खाने के इश्क मरजानिया, और जिसकी ओपनिंग पे हम लोग गए भी थे और शाह जी ने उसकी ओपनिंग की थी, ठीक है ना। तो कितों लग रही है? अच्छा जी, ईद पे ही ये भी एक अच्छी बात है, इधर क्लैप कर देने के लिए। इस तो अलावा तुसी कोर्ट फिल्म में किसी प्रोग्राम वर गया वो कंटिन्यू है इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद एक और थी वो की वजह से, वो मैंने आपको पहले कहा था गुल है नहीं 400 पीस, आपने नाम ही गलत रखा था, गुल तो अपना लव है। बस साहब आप क्यों इतने गुस्से में हैं? खाना है बहुत अच्छा, खाना पके है, मैं चख नहीं आया। असी दोवें इकट्ठे गए सर, मलक साहब तो मैं, तो मलक साहब तो नहीं चखिया, मैं चख लिया खाना। लेकिन अच्छा बात संजीदा थोड़ी कर लें, ये वाकई ये जैड़ी का कहना जो है कि सोशल मीडिया में, हेलो फ़ोन बंद करो, हेलो मेरी आवाज़ सुनो, मैं आपसे मुखातिब हूँ जरार रिजवी। ये जो जरार रिजवी साहब ने बात की ना, ये बड़ी अच्छी बात की है कि इस वक्त सोशल मीडिया खास करके जो हमारा जो अपना जिम्मेदार मीडिया है उसकी बात भी मैं कर रहा, वो भी कभी कभी डंडी मार देता है, लेकिन कहने का मतलब है सोशल मीडिया इंतहा का ना वो आगे जा चुका है, जिसे कहते हैं ना बिल्कुल ही बेलगाम हो गया है। ये इसकी अच्छी बात है जैरी की कि इसको ज़रा थोड़ा सा ना देखना चाहिए। आप देखें ना, ये जब से ये यूट्यूब आया है इसने क्या किया है, पहले यूट्यूब बहुत पुराना है, जब इसने पैसे देने शुरू किए थे उन्होंने पे आपके कपड़े उतारने शुरू कर दिए। आप पैसे लेने के लिए, डॉलर लेने के लिए आप लोगों के कपड़े उतारते हैं, ना करें यार। इंडस्ट्री जो है हमारी, इंडस्ट्री थोड़ी सी रह गई है, सुलझे हुए लोग हैं, इसको भरना चाहिए, ये सुकड़ती जा रही है। आप जितना नेगेटिव, ये साजिद नाई कहाँ बैठा है, पहले हाथ तो खड़ा करें, बैठा कि नहीं बैठा? मार गया। मेरा ख्याल है शाकिर साहब आपने पैसे पकड़े हुए उससे, वो है ही नहीं, आप उसका नाम लेते जा रहे हो। अच्छा साजिद नाई जो है वो दोस्त है अपना, भाई है, शुरू में उसने एक काम शुरू किया था, मैंने उसे मना किया था, मैंने यार ये काम ना कर, इंडस्ट्री के अंदर क्या कुछ होता है, इस जो आपके स्टूडियो हैं इसके अंदर बहुत कुछ हुआ है, लेकिन यही होता था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं 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 नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, अपना जो अपना दादा, मैं वो बात नहीं कह रहा, मैं वो बात बिल्कुल हर किसी ने कहना चाह रहा। देखिए घर में भी बहुत कुछ होता है जो हम बहन बयान नहीं करते, ये आप लोगों का, हम लोगों का घर है, हम यहाँ पे जो बात करें लड़े मने यही लड़े, ये जो बाहर जाके होती है ना बात सारी, ये गलत बात है, ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। फिर तुम अपने घर के बेडरूम की गल्ला भी करो, बाहर आके दसो, ये तो गलत गल है ना। अच्छा यहाँ पे सबसे पहले आप सालगिरह में आए हैं, आपके यहाँ जिस बात की कदर करते हैं अपना नदीम चीमा साहब, आपने सही बात की, ठीक है,
लेकिन दूसरा रुख भी देखें, ये सब लोग बैठे हैं, सब चीमा साहब के चाहने वाले हैं, शबकर चीमा साहब के सारे चाहने वाले हैं, ठीक है ना। अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, हयाती दे, जल्द से याब हों, फिर वो दोबारा काम पे आए आएंगे इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। देखे शाह जी ने ये कह दिया और ये सब एक आवाज में कह गए, वो इंशाल्लाह ताला ठीक होकर वापस आएंगे। तकरीबन मेरी शहर अहमद से बात होती रही है, शहर यार से बात होती रही है, मेरी बात होती रही है, मुझसे बात करते रहे हैं, लेकिन होता ये है कि असल में पता क्या होता है, यहाँ पे कोई बात होती नहीं है, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया जाता है, ठीक है ना। और ख़ास करके हर, मैं आपको एक बात बता दूँ शाह जी, हर बंदा बीमार है, कोई जिस्मानी बीमार है, कोई ज़हनी बीमार है। जिस्मानी बीमार तो बंदा ठीक, ज़हनी बीमार ठीक कभी नहीं हो सकता है, जरा ज़हनी बीमार हो जाए ना वो कभी ठीक नहीं हो सकता, जो मर्जी कर लो जिस। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा दूसरा ये आपको आ गया सर, ये मेरी तरफ से इमरान साहब का रबता हुआ, न्यूज़ भी चली, उसको फिर सीधा भी किया गया, मरियम भी आई उनको देखने के लिए, मरियम पंजाब जो हमारी पंजाब की वज़ीर आला है वो भी वहाँ गई, वो सब कुछ हुआ। कहने का मतलब ये है कि जब तक नेगेटिव खबर ना चलती मानते ही नहीं गए। वो जो उसने कहा था कि मरना पैदा है, बड़ा अच्छा बंदा सी यार फलाना सी, उन्होंने जिंदगी से क्या देता है वो नोनो, ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि आप किसी को उसकी ज़िंदगी भी माने। और बात ये सुने, आज अगर आप किसी को मानेंगे ना तो कल को आपको भी कोई मानेगा। अगर आज आप किसी को नहीं ना मानेंगे, रास्ता नहीं देंगे, तो कोई भी आपको रास्ता नहीं देगा। ये बड़ा मुश्किल है और इसके लिए ये है कि सब लोग अपने लिए भी दुआ करें और मेरे लिए भी दुआ करें। बहुत शुक्रिया। ये मेरे सब मेरे प्यारे लोग हैं, मेरे प्यारे आकिफ मलिक साहब बैठे हुए हैं, गोशी खान साहब। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं चाहता कि ये तकरीब लंबी हो, मुझे खुद भी बहुत भूख लग रही है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मलिक याकूब नूर साहब वो आएँ और इस तकरीब के हवाले से, और इतने जो हमारे लेजेंड्स बैठे हैं उनका शुक्रिया अदा करें, और फिर उसके बाद एक परफॉर्मेंस, एक गाना और फिर खाना। सबसे पहले तो मैं यहाँ आए हुए तमाम अज़ीज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना प्यार दिया कि शायद यहाँ आप लोगों से मेरा इतना वास्ता कम था, लेकिन मोहब्बत उससे डबल मुझे मिली है। और इस इंडस्ट्री में आने की वजह या जो कुछ आपके सामने हूँ, मेरी फैमिली में सबसे पहले आज इस दुनिया में नहीं है मेरे वालिद साहब और मेरे बड़े भाई, लेकिन अगर शायद वो मेरी हिम्मत ना बंधाते, मुझे आज हर चीज़ में सपोर्ट ना करते, तो शायद मैं इस इंडस्ट्री में भी ना होता या बिजनेस में ना होता। जो कुछ भी हूँ अल्लाह ताला के बाद अपने भाई, अपने वालिद की कुर्बानियाँ या उनकी मेहनतों का नतीजा है कि मैं आप लोगों के सामने हूँ। मेरे भाई इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज उनकी औलाद माशाल्लाह मेरा बाजू बन के मेरे साथ है, यहाँ हॉल में मौजूद है, अली तारिक, हसन तारिक, मेरी भतीजी। ये एक मिल बैठने का बहाना होता है, आप सब मेरी एक फैमिली की तरह हैं। मैं कराची में था, जब भी आया मुझे इतना प्यार दिया गया। इस इंडस्ट्री में मेरे आने में दो शख्सियात का बहुत बड़ा हाथ है, कि ज़िंदगी में सोचते थे कि कभी इन शख्सियात को सामने देखेंगे या दूर से, जैसे क्रिकेट ग्राउंड में तमाशाइयों की तरह बैठ के हम भी क्रिकेटर्स के फ़ैन होते हैं, इसी तरह दूर से बैठ के आप लोगों के फ़ैन थे। एक हमारे डायरेक्टर इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन इंडस्ट्री में बहुत बड़ा हाथ है उनका मुझे इस इंडस्ट्री की तरफ या लाहौर की तरफ रुख करवाने में, आगा हसन अस्करी साहब, वो आज भी मेरे दिल में बसते हैं। और दूसरी शख्सियत जो है, कराची में मैंने एक प्रोग्राम अरेंज किया, फ़ोन पे बात हुई, मुलाकात हुई, उससे पहले मुझे छोटा भाई भी कहा लाहौर में, उसके बाद प्रोग्राम हुआ, और वो भाइयों वाला रिश्ता आज भी कायम है, और कदम कदम पे रहनुमाई भी हुई। शायद वो शख्सियत इस इंडस्ट्री में अगर ना होते या मुझे ना मिलता है, तो कम से कम मैं इस इंडस्ट्री में ना होता, जिनका नाम है सैयद नूर साहब। और ये मैं अपने दिल से, शाह जी आप सामने बैठे हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि शाह जी ने एक सेकंड के लिए भी सोचा हो कि मैं पराया हूँ। मैंने जब फ़ोन किया, जहाँ बुलाया, और ये हलपन कह सकता हूँ कि शाह जी और हमने कराची में बार
कोटे वाले जो चाय वाले होते हैं उन पे उनके पास बैठ के चाय भी पी, पीसी में बैठ के पी। बहुत सारे ऐसे वाकियात हैं मेरी ज़िंदगी में शाहजी और हमारी दोस्ती के, भाइयों वाले रिश्ते के, कि जो शायद लंबी बात हो जाएगी। लेकिन और आज इस तकरीब जो सजाई है, ये एक बड़ी अनोखी बात है कि मुझ जिस बेटे को अभी मैं ऊपर लाया था, इन्होंने मुझसे घर में पूछा कि सैयद नूर आपके भाई हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल। कहते मेरे चाचू हैं? मैंने कहा बिल्कुल। तो अगला सवाल उनका बेटे का ये था कि आपके भाई हैं तो आपसे मिलते हैं, मुझसे क्यों नहीं मिलते? तो एक बहाना बन गया। आप सब सफदर मलिक साहब बैठे हैं, ठाकुर लाहौरी साहब, शुक्र है कि आज आपने माफ़ी दे दी, क्योंकि फैमिली भी आई हुई थी। जिस तरह आप हमारे सीनियर मसूद भट्ट साहब का कह रहे थे कि मुश्किल हो जाएगा, मेरा तो यही मुश्किल हो जाता है। हमारे अच्छी खान साहब, शाहजाना साहब बैठे हैं, हमारे नदीम चीमा भाई बैठे हैं, गोशी खान भाई बैठे हैं, मेरे बहुत से राज ये भी जानते हैं लेकिन भाइयों की तरह हैं, हमारे जावेद रजा, हमारे जैद जुल्फी साहब, इनके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। बाकी भी हमारे जितने दोस्त हैं, मैं जितने नाम लूँ, हमारे ताज बुखारी भाई बैठे हैं पीछे, हमारे बाकी साफी दोस्त बैठे हैं। एक दफ़ा फिर आज इस तरह ये इंडस्ट्री यहाँ जमा है। यकीन माने हम जूनियर हैं, लेकिन जब इस चीज़ को सोचते हैं तो शायद हमारा भी दिल अंदर से रोता है कि काश ये जो हमारी मोहब्बत यहाँ पे है, हम यहाँ से निकल के भी वही मोहब्बतें एक दूसरे के लिए रखें। हमारे सीनियर हैं, जितना प्यार मुझे देते हैं, मैं समझता हूँ कि मैं हमारी इंडस्ट्री का वाहिद ही खुशनसीब इंसान होऊंगा जिसको इतना प्यार मिलता है। लेकिन वही पौधा हमेशा दरियाओं का या आसमान का पानी हासिल करता है जो फल भी देता है। हमारे जूनियर्स बदकिस्मती से, यंग जनरेशन जो है वो हमारे सीनियर्स से फ़ायदा नहीं उठाती। क्यों नहीं उठाती? शायद जी उनकी कमबख्ती है, क्योंकि जिस घर से बाप का साया चला जाए औलाद यतीम ही कहलाती है, वो चाहे जितने भी आसमान पे चली जाए। तो ये सीनियर जब तक हैं तो हम हैं। ये आने वाले वक्त में जब हम इस सूरत हाल पर पहुँचेंगे तो फिर हमें कदर आएगी कि यार काश हम फरमा बरदार होते तो हमारे जूनियर भी हमारे होते। जब हम ना फरमानियाँ करेंगे तो लाजमी बात है कि किकर का बीज वो के आम हासिल नहीं किए जाते, उसके लिए आम ही दरख्त लगाना पड़ता है। शाहजी आखिरी बात, उसके बाद आप सबसे मैं इजाज़त चाहूँगा। घर का माहौल सुकून गया। थैंक यू। मैं शेर सुना देता हूँ साहब, मैं शेर सुना रहा हूँ, सबको सबकी समझ में आ जाए। सारी दुनिया की नजर है मेरे दामा की तरफ, देखता नहीं अपने। आपका बेहद शुक्रिया साजिद यज़दानी साहब, आपको वेलकम हमने किया। तनवीर पोली आपका शुक्रिया, अली आपकी अगेन आपका शुक्रिया, और वहीद डार साहब हैं, रफ़ीक मुगल जो आज हमारे प्रोग्राम की जो कवरेज कर रहे हैं और हमेशा से हमारे प्रोग्रामों की कवरेज करते हैं, आसिफ रहमान साहब एक मरतबा फिर, रॉयल न्यूज़ वाले हैं उनका शुक्रिया, ताहिर बुखारी साहब आपका एक मरतबा फिर बेहद शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और इस तकरीब को रौनक बख्शी। के आर गुल साहब, निर्मल शाह साहिबा बहुत शुक्रिया कि आप आखिर में तशरीफ़ लाएं, आपका बेहद शुक्रिया। और माशाल्लाह आप भी हसीन लग रही हैं और आपकी आवाज़ से भी हम अभी मशहूर उन गाने आपके सुनेंगे। शिजा अली आपका शुक्रिया, बी ए चिता छोला में सब रख छा तेरी डोलो में तेरी टांग रही रहा चिता छोला।
नासिर भाई के मैं गाने गाऊँ, लेकिन कुछ उन्होंने कहा कि अब आइए और हमारे उस्ताद लोग बैठे हैं, दोस्त लोग बैठे हैं, सीनियर फनकार बैठे हैं माशाल्लाह, सबकी इजाज़त से कोशिश करते हैं मैडम जी का गाना जो है उसको ख़राब किए बिना कोशिश करते हैं। वैसे तो मैडम का बहुत सामने एक लमे मलक साहब सब एवरीवन इन कैमरा ये हुई ना बात जी 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 शुरू करें।